अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारिजा जनाब सलमान खुर्शीद और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मुशीर ख़ुसूसी बराए नेशनल सिक्योरिटी और ख़ारिजा ताल्लुका जनाब सरताज अजीज साहब के दरमियान एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग के नतीजे में इस तवक्को का इजहार किया जा रहा है कि 29 सितंबर को न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की साइड लाइन्स पे पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ और हिंदुस्तान के वजीर आजम मनमोहन सिंह के दरमियान एक मीटिंग हो सकेगी, जिसकी बहुत देर से पाकिस्तान जिसके लिए कोशिश कर रहा है। जो बात हमें तश्वीशनाक लगती है वो ये कि भारत की स्टेटमेंट्स को, उनके वजीर खारजा की स्टेटमेंट्स को देख के ऐसा महसूस होता है कि वजीर आजम नवाज शरीफ को ये मीटिंग भी एक रिवॉर्ड के तौर पर, एक इनाम के तौर पर मिलेगी। यानी अगर तो पाकिस्तान भारत की कुछ प्री कंडीशंस को पूरा कर सकेगा, एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकेगा इस मीटिंग के लिए, तब ये मीटिंग हो पाएगी। हम समझते हैं ये बात, भारत का ये अंदाज और पाकिस्तान की जो यानी खारजा पॉलिसी है उसका इस तरह से भारत के साथ रिएक्ट करना बताते खुद एक बहुत बड़ा तश्वीशनाक पहलू है। यहीं से हम आज की अपनी इस डिस्कशन का आगाज करेंगे। मुझे फोन लाइन पे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबका सेक्रेटरी खारजा जनाब शमशाद अहमद खान साहब। और ये बात नाज़रीन आपको बताऊं कि शमशाद अहमद खान साहब सेक्रेटरी खारजा थे जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कॉम्पोजिट डायलॉग का आगाज हुआ था। वेरी वार्म वेलकम टू शमशाद अहमद खान साहब। और हमें स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं एयर वाइस मार्शल जनाब शहजाद चौधरी साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट हैं, डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट भी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू शहजाद चौधरी साहब। और उनके साथ ही तशरीफ रखते हैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, टेलीविजन और मीडिया से ताल्लुक जनाब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। शमशाद साहब से मैं बात का आगाज करता हूं। शमशाद साहब, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मुझे यह महसूस होता है कि हिंदुस्तान के वजीर खारजा सरदार खुर्शीद साहब की जो स्टेटमेंट्स है जिसमें से ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जब तक कुछ परफॉर्म करके नहीं दिखाएगा, जब तक भारत की कुछ प्री कंडीशंस को पूरा नहीं कर सकेगा, तब तक शायद भारतीय वजीर आजम की और पाकिस्तानी वजीर आजम की न्यूयॉर्क में मुलाकात ना हो सके, तो ये जो अंदाज है भारत का डिप्लोमेसी का, ऐसा लगता है कि हमें पीछे पीछे धकेल रहे हैं। आपको क्या महसूस होता है? जी देखिए, इंडिया का जो इस वक्त एक पैटर्न है पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट का, वो अग्रेसिव उसका पॉस्चर है। और ये सिर्फ इस साल की या गुज़श्ता साल की बात नहीं, ये गुज़श्ता 12-13 सालों से ये सिलसिला चल रहा है। और खास तौर पर 9/11 के बाद से इस पैटर्न का आगाज हुआ। मैं अब उस तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इसका बुनियादी मकसद जो है वो है कि पाकिस्तान को मुसलसल डॉक में रखना और प्रेशर में रखना, ताकि जो हमारे इश्यूज हैं उनको टोटली रीडिफाइन कर दिया जाए। और इसमें किसी हद तक इंडिया कामयाब हो गया, थैंक्स टू अमेरिकन सपोर्ट एंड सिंपथी दैट इट हैज बीन रिसीविंग फ्रॉम देम। और आज तो खित्ते में इतनी असेंडेंसी मिल गई है कि ये न सिर्फ हमारे मशरकी बॉर्डर्स पर हमारे लिए एक कंसर्न का बात है, बल्कि अब तो हमारे मगरबी बॉर्डर्स पर भी इसको न्यूसेंस पोटेंशियल मिल चुका है। लेकिन पैटर्न जब है वो यही है कि अब हमें मुसलसल एक ऐसी पोजीशन में डाल दिया गया है हमारे हुक्मरानों ने कि वो जिस तरह ठीक मांगते हैं डायलॉग, एज इफ डायलॉग इटसेल्फ इज द एंड। बदकिस्मती ये है कि हम असली इश्यूज को भूलकर अब सिर्फ डायलॉग चाहते हैं, डायलॉग फॉर द सेक ऑफ डायलॉग। मुझे नहीं पता इस डायलॉग का नतीजा क्या निकलेगा। यानी ये जो भीख मांगने वाली बात, ये बिल्कुल इस तरह है, किसी चौराहे पर डॉक्टर साहब अब जब आप खड़े होते हैं, शीशा गाड़ी का बंद होता है, एक मांगने वाला तल तल आपका शीशा नॉक करते जा रहा है, फिर आप बदली के साथ शीशा खोल के उसकी हथेली पर 10 रुपए का नोट रख देते हैं और बंद करते हैं, गालियां देते हुए वहां से चल पड़ते हैं। तो उसी तरीके से, बिल्कुल उसी स्टाइल में इंडिया आपको ट्रीट कर रहा है, भीख मांग रहे हैं आप, और इंडिया आपको अब इस डायलॉग की सूरत में भीख देगा। मगर उस डायलॉग में जो कुछ डिस्कस होगा वो एजेंडा नहीं होगा जो मियां साहब ने अपनी लास्ट टेन्योर में इंडिया के साथ तय किया था।
लेकिन शमशाद साहब, आपको आपने कहा कि एजेंडा वो नहीं हो पाएगा। भारत जो है वो पाकिस्तान को एक ऐसी नहज, एक ऐसे मुकाम पे ले आया जहां सिर्फ डायलॉग को अचीव कर लेना, मीटिंग्स को अचीव कर लेना पाकिस्तान की एक अचीवमेंट, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की एक अचीवमेंट समझा जा रहा है, और मियां नवाज शरीफ साहब वो एजेंडा हासिल ही नहीं कर पाएंगे जो कि उनके जहन में है, जो हासिल करना चाहते हैं। लेकिन शमशाद साहब, क्या आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को, उनके रुकायकार को, उनकी कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं, उनको अंदाजा है इस चैलेंज का, या वो किसी और आस में बैठे हैं, कोई और उम्मीद लगा के बैठे? मुझे नहीं पता कि उनके जहन में क्या है और उनका एंड गेम क्या है, क्या मकसद है, लेकिन आई होप कि उनको ये बात याद होगी कि ये उनके अहद में पहली मर्तबा हिंदुस्तान और पाकिस्तान तारीख में 50 साल तारीख, उस वक्त जून 97 में कॉम्पोजिट डायलॉग पर मुआहदा हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, एक बाकायदा स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म कायम किया गया था एजेंडे के साथ, 8 के साथ एजेंडा था। कभी पहले ब्लैक एंड व्हाइट सूरत में इस तरीके से एक प्रोसेस नहीं शुरू हुआ, तो वो शुरू किया गया था, और उसमें कश्मीर सरे फहरिस्त था, सलामती और अमन और सलामती के अमूर थे, सियाचिन था, सिर क्रीक था, पानी का मसला था, बाकी टीवीएम्स थे, तो वो तो इंडिया ने पसे पुश डलवा पसे पुश डाल दिया। मेरे साथ रहिए शमशाद साहब, मेरे साथ रहिए, मैं यही चीज रहा इमाशल साहब के साथ। इमाशल साहब, जो मैंने सवाल उठाया शमशाद साहब के साथ कि मियां नवाज शरीफ साहब अपनी सादगी में कह लें, भोलेपन में, वो सोचते हैं कि कारगिल से पहले के जैसे एक सिचुएशन थी बरसगीर में, और कारगिल की शायद गलती हो गई, एक ब्लंडर हो गया जो कि जनरल मुशर्रफ ने किया, और समहाउ द अदर मियां नवाज शरीफ साहब अपनी सिंसेरिटी से, अपने अच्छे इकदाम से, अपनी गुडविल से, अपनी जेन्युइननेस से भारत को उसी पॉइंट पर ला सकेंगे जहां हिंदुस्तान और भारत जो है वो चीजों को आगे बढ़ा सकेंगे। और इस दरअसल में जो कुछ हुआ, यानी कारगिल के बाद जो कुछ हुआ, यानी 9/11 हुआ, उसके बाद भारत ने कैसे इस खत्ते को रीडिफाइन किया, अमेरिका की इंटरवेंशन हुई, अफगानिस्तान में उनकी प्रेजेंस हुई, अलकायदा, ये सब कुछ पाकिस्तान में भर्ती हुई इंसर्जेंसी, बलूचिस्तान के हालात, फाटा के हालात, सवात के हालात, कराची के हालात, पाकिस्तान की बिजली की कमी, पानी की कमी, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, तो पाकिस्तानी रियासत की जो एक मैनिफेस्ट वीकनेसेस है वो सामने आई हैं, जो जहरा मियां नवाज शरीफ साहब ने इनहेरिट कर लिए। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की बातों से ऐसे लगता है कि वो ये सोचते हैं कि समहाउ अगर भारत उनकी गुड नेचरनेस को देखेगा, उनकी जेन्युइननेस को देखेगा, उनकी पीस की डिजायर को देखेगा, और वो किसी एक उम्मीद लगा के बैठे, लेकिन भारत की तरफ से कोई ऐसी चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। डॉक्टर साहब, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में तो तब्दीलियां आई ही आई, उस पाकिस्तान में जो कि 1999 में था और जो आज का पाकिस्तान है, और इसमें आपने बहुत सारी चीजें गिनवा दी जो बिल्कुल मुनासिब और सही हैं कि पाकिस्तान की जो अपनी पोजीशन है वो बहुत कमजोर हुई है पिछले 12-13 साल के अंदर। लेकिन उससे बढ़ के मैं समझता हूं कि थोड़ा सा कुछ एक रॉन्ग अजम्पशंस हैं मियां साहब के अंदर। वो शायद जानते हैं या जांचते हैं कि जैसा 1999 में भारत ने उनके इस इनिशिएटिव को रिएक्ट किया था, जिस तरीके से उन्होंने दोस्ती की कोशिश की 1998 में, और 99 के फरवरी के अंदर ये मुलाकात हुई, तो शायद वो वहीं से कनेक्ट करना चाहते हैं 2013 के अंदर, विदाउट रियलाइजिंग कि भारत भी बहुत तब्दील हो चुका हुआ है। यानी पाकिस्तान तो तब्दील हुआ ही हुआ, भारत उस डिस्पैरिटी के हिसाब से और ज्यादा हमसे एरोगेंट हो चुका हुआ है, और उसके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका हुआ है, एक उसका रीजनल रोल आ चुका हुआ है सामने, इवन ग्लोबल रोल सामने आ चुका हुआ है। G20 में उनके प्राइम मिनिस्टर साहब आप बाकायदगी से जाते हैं। अच्छा, लेकिन इससे बढ़ के मैं कुछ चंद चीजें आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहले ये अमेरिकन सपोर्ट की बात की शमशाद साहब ने, मैं समझता हूं कि भारत ने अपनी पॉलिसी खास पाकिस्तान के बारे में बहुत सक्सेसफुली दुनिया को सेल की है। पाकिस्तान उस पॉलिसी का कोई निगेट नहीं कर सका, और इस वजह से आपका इमेज दुनिया के अंदर, अगर उनको जरूरत है तो वो खामोश रहते हैं, लेकिन वो आपको एज ए न्यूसेंस दिखते हैं दुनिया के अंदर। आपका जो जायजा है वो न्यूसेंस के तौर पे है, अनफॉर्चुनेटली इमेज जो इस वक्त दुनिया का, दे हैव बीन सक्सेस, उन्होंने बड़ा कामयाबी के साथ अपनी पॉलिसी को दुनिया के अंदर बेचा है, और इसी वजह से पाकिस्तान आज डॉक में। नंबर दो, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी कंपेटिटिव फिजा है जो कि अनस्टेटेड है, और कंपेटिटिव फिजा क्या है कि हमारे जितने पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ये जानती है, वो समझती है कि पाकिस्तान की अफवाज है या फौज है जिसने आज तक भारत से तल्लुकात को बेहतर होने नहीं दिया। साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर जो इदाराती आपस में कंपेटिटिवनेस है, यानी सियासत के अंदर और फौज के अंदर,
उसकी वजह से भी एक रिएक्शन है और एक सोच ये भी पाई जाती है कि हमारे जितने सियासी लीडर आते ही भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, दैट इज इन अ वे ट्राइंग टू पुट दी फौज बैक इनटू इट्स पोजीशन, कि अगर हम ये कर पाएं तो फौज को हम किसी तरीके से पीछे धकेल देंगे। ये भी एक सोच पाकिस्तान के अंदर कुछ जगहों पर मौजूद है कि इस तरीके से, और ये भी सोचा जाता है कि शायद ये भी एक वजह बन सकती है। तीसरा, मैं समझता हूं कि बहुत कामयाबी के साथ भारत की पॉलिसी और पाकिस्तान की पॉलिसी का फेलियर, जो भारत के साथ तल्लकात जो कि पब्लिक डोमेन में जिस तरीके से देखे जाते थे आज तक पाकिस्तान से पिछले 66 साल में, चाहे वो कश्मीर का मामला था या भारत के साथ तल्लकात का था, अब पब्लिक डोमेन से हट चुके हैं, अब हमारे दरमियान में इस लेवल पर डिस्कस होते हैं, और इस वजह से पब्लिक रिस्पॉन्स या पब्लिक सेंटिमेंट जिसके ऊपर बेस किया करते थे हम अपने रिस्पॉन्सेज, अब वो खत्म हो गए। अब इसमें भारत की कामयाबी है या पाकिस्तान की नाकामियां या पाकिस्तान में अफवाज की नाकामियां जो उस पर डिपेंड करते थे कि एक अपना पोजीशन देते थे इंडिया के बारे में, ये तीन बड़े इश्यूज हैं, तीन बड़े ऐसे डेवलपमेंट्स हैं पिछले इतने सालों के अंदर जिसने पाकिस्तान और इंडिया के साथ। आपने शमशाद अहमद खान साहब को भी सुना, आपने एयर मार्शल शायद शहजाद चौधरी साहब को भी सुना कि जो डेवलपमेंट हुई है, गालिब मियां नवाज शरीफ साहब जो है अपनी इनोसेंस में या सादगी में या अपनी गुड नेचरनेस में या वो उनकी ख्वाहिश है पीस की, वो उन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, और हमें बड़ी हमदर्दी है मियां नवाज शरीफ साहब से क्योंकि उनके कदम सही हैं, उनकी डायरेक्शन सही है। आप कैसे सोचते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का क्या चैलेंज है इंडिया के साथ डील करना, कितना बड़ा चैलेंज है, मतलब हाउ डू यू सी दिस? सर देखें, एक वो मशहूर कहावत है ना कि जंग एक इतना संगीन काम होता है, अमल होता है कि उसको जनरल्स के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। इसी तरह उसमें मैं ऐड करता हूं कि हुकूमत भी इतना संगीन काम होता है, फिर सियासतदानों पे नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, तो ये जो बात है सारी, ये जो मीटिंग का आपने जिक्र किया शुरू में, ये मीटिंग शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और चाइना का, आज से कोई महीना पहले जब पाकिस्तान का एलओसी पे टेंशन शुरू हुई तो उन्हीं दिनों ये न्यूज, मुझे नहीं पता यहां कितना डिस्कस हुई, आपने यकीन देखा होगा कि चाइना के साथ भी इंडियंस का एक क्लैश हुआ, क्योंकि लद्दाख की वैली के अंदर चाइनीज ट्रूप्स 17 किलोमीटर अंदर आ गई, उससे तो हिंदुस्तानी बड़े परेशान थे, वो परेशान थे और उन्होंने कहा कि चेक पोस्ट तोड़ो। तो चाइना और इंडिया भी कोई, अच्छा चाइना इंडिया और ईरान तीन गालिबन ऑब्जर्वर हैं इस वक्त वहां जो गए हुए, ऑब्जर्वर स्टेट और वहां गए हुए, और चाइना के कोई मामला, चाइना तो पूरा नहीं, चाइना तो जरूर नहीं है, पाकिस्तान ईरान और चाइना तो मेन मेंबर है, पाकिस्तान ईरान और मंगोलिया ऑब्जर्वर, इंडिया भी ऑब्जर्वर है, इंडिया जी सॉरी ठीक, तो बाकी ये एज ऑब्जर्वर गए हुए हैं, ये ऐसे गए हैं और वहां बातचीत हो गई है और आगे बात होगी, 29 को होगी, मुलाकात नहीं होगी, उसका कोई कुछ फायदा नहीं होगा जो बाजार मुझे लगता है। देखिए रफ्तार, ये है एक पूरा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, और जो स्टीव कोहन ने कहा है ना कि ये लंबी जंग है, जो 67 इयर्स है, उनकी किताब का टाइटल भी है कि सेंचुरी, शूटिंग फॉर सेंचुरी, की जितनी लंबी जंग खिंच गई है पाकिस्तान और इंडिया की, कि 67 इयर्स से अनफिनिश बिजनेस जो था वो दो कॉन्फ्लिक्ट, यानी जब ये खत्म हुई सेकंड वर्ल्ड वॉर तो उस वक्त पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और ये पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये अफगानिस्तान का और कश्मीर का कहां से जिक्र आ जाता है, तो मैं उनको याद दिलाता हूं, मैं कहता हूं यार मेरी बात सुनो, याद करो कि एक प्लेन भी हाईजैक हुआ था एयर इंडिया का और कंधार में लैंड हो गया था, ठीक है, ये तो कंधार लैंड हुआ था, मसूद अजहर रहा हुए थे उसके नतीजे में, तो ये तो पाकिस्तान ने जो वॉर अगेंस्ट टेरर के दौरान ये दो साइड के जो जहाज थे उनको अलग किया और बीच में पाकिस्तान ने रोक दिया और वहां पे बाइड पूरी हो गई वो। अच्छा अब मसला ये है कि वहां पे क्लैश हो रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, आखिरी कॉन्फ्लिक्ट 7 तारीख को हुआ है जो एलओसी पे हुआ है, कल भी हुआ है और मुस्तकिल हॉट है, मुस्तकिल हॉट है। मैं स्टीव कोहन, मैं ब्रूस लिटल भी नहीं जाना चाह रहा वेडिंग आर्मागेडन के जी इस साल कुछ अगले साल कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है, और मैं वो उस तरह की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि टेंस हैं और ये 2002 के बाद पहली दफा एलओसी। अच्छा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं फिर शमशाद साहब की तरफ जाऊंगा ये समझने के लिए कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेंस ऑफ डायरेक्शन तो यकीनन दुरुस्त है, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, वो भारत से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन भारत के रवैये को और भारत की जो पॉस्चरिंग है उसकी जो हार्ड लाइन है उसे मद्देनजर रखते हुए मियां नवाज शरीफ साहब के चैलेंज को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक, सीधा चलता हूं शमशाद अहमद खान साहब की तरफ लाहौर में। शमशाद साहब, जैसे कि मैंने वक्फे से पहले कहा, मैंने कहा कि
मियां नवाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टर की सेंस ऑफ डायरेक्शन तो हम सब मानते हैं कि सही है। मियां नवाज शरीफ साहब पे बहुत प्रेशर है, अंदरूनी दबाव है, गवर्नेंस का प्रेशर है, कराची की सूरत हाल है, बलोचिस्तान की सूरत हाल है, फाटा की सूरत हाल है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, वॉकलेट इशू है, इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी का क्राइसिस है, अमरीका का दबाव है, अफगानिस्तान में विड्रॉल की सूरत हाल है। तो मियां साहब का ये डिजायर करना कि भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात हों ताकि ईस्टर्न फ्रंट पे टेंशन कम हो सके, भारत की एनिमोसिटी और भारत की हॉस्टिलिटी रिड्यूस हो सके, और पाकिस्तान के बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि अगर भारत की एनिमोसिटी हॉस्टिलिटी रिड्यूस होगी तो भारत की एजेंसी बलोचिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के फाटा के अंदर जो मुदाखलत कर रही है या अपने एसेट्स को फीड कर रही है, ये तमाम सूरत हाल जो है किसी हद तक काबू में आ सकेगी। तो मियां नवाज शरीफ साहब की सेंस ऑफ डायरेक्शन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन भारत को भी इन तमाम चीजों का एहसास है कि मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कितने मजबूर हैं, वो कितने अंडर प्रेशर हैं भारत के साथ ताल्लुक ठीक करने के लिए। इस सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मेरा आपसे सवाल यह है, बीइंग द एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, बीइंग ए वेरी एक्सपीरियंस डिप्लोमैट, बीइंग ए वेरी एक्सपीरियंस कमेंटेटर और एक ऐसी शख्सियत जिसके जमाने में कॉम्पोजिट डायलॉग शुरू हुआ, आप क्या एडवाइस करेंगे मियां साहब को, मियां साहब इस प्रेशर को कैसे हैंडल करें, यानी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर सकें, प्रोग्रेस भी कर सकें, लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट को भी सेफ गार्ड कर सकें, क्या करें? डॉक्टर साहब, पहली बात तो यह है कि मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि मियां साहब जेन्युइनली अमन पसंद हैं और चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान दो अच्छे हमसायों की तरह एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारें, लेकिन जो डायनेमिक्स होती हैं जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स वो बदलती रहती हैं। आज 1997 नहीं है, आज हम 2013 में खड़े हैं और इन 15 सालों में दरिया के अंदर से बहुत पानी गुजर चुका है। 97 में इंडिया में जो पोजीशन थी उस वक्त वो अपने आप को न्यूक्लियर ताकत डिक्लेयर करना चाह रहे थे, जरूरत नहीं थी उनमें, वो पुराने नेहरू के वक्त पे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी किए रखे थे और जब वाजपेयी इख्तदार में आए तो उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हमने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ऑपरेशनलाइज करना है, वो किया। उनको उस वक्त जरूरत थी दुनिया में जो रद्द अमल और रिएक्शन होना था उसको न्यूट्रलाइज करने की खातिर कि वो पाकिस्तान के साथ किसी तरीके से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए, तो उस वक्त यके बाद दीगरे अच्छे नतीजे निकले हमारे डायलॉग के। उस वक्त भी मियां साहब ने पहल की, डायलॉग मुझे हुक्म दिया कि जी जाइए डायलॉग शुरू करें, तीन बातें उन्होंने मुझे कही थी कि डायलॉग शुरू करें और टेंशन कम करें, ताल्लुकात नॉर्मलाइज करें, मगर कश्मीर पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल दोस्त है और मैंने उन इस गाइडलाइन को सामने रखा, लेकिन अब तो कश्मीर कहीं दूर पार तक नहीं, यही नहीं। तो मैं कह रहा हूं ना जी कि अब उसके बाद देखें, पहली बात तो है 2005 में इंडिया ने खुद को पाकिस्तान से डिहाइफनेट कर लिया, क्योंकि हमने 99 तक जो 8 डायलॉग के राउंड हुए थे अमेरिका के साथ, उस बराबरी की बुनियाद पर इंडिया और पाकिस्तान बिल्कुल बराबरी की सतह पर, उसमें अमेरिका से हमने ये तस्लीम करवा लिया था कि दोनों मुल्कों के दरमियान पैरिटी बरती जाएगी इन टर्म्स ऑफ रिवार्ड और पनिशमेंट, अगर कोई कंसेशन मिलेगा तो दोनों को बराबर मिलेगा, अगर कोई सजा मिलेगी दोनों को बराबर मिलेगी। तो ये था, एक लिंकेज पैदा हो गया था। अब क्या करें सवाल तो यह है कि अब क्या करें? अब तो ये है कि बजाय इंडिया के पीछे भागने के खुदा के लिए बात कर लो, टेक ए रिस्पेक्टेबल डिसेंट पॉज, स्ट्रेटेजिक पॉज, और इस वक्त अपने अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे तवज्जो मरकूज करें और कंसंट्रेट करें मुल्क के हालात पर, जो बड़े चैलेंजेस हैं, मईशत है, एनर्जी है, सिक्योरिटी है, टेररिज्म है। जब तक आप अंदर से टूटे फूटे रहेंगे, आप इंडिया के साथ कभी भी डायलॉग की मेज पर बराबरी की। सर थैंक यू सो मच, एक्सेलेंट एडवाइस सर, एक्सेलेंट एडवाइस। मुझे इसी चीज को जरा जो आपने कहा शमशाद अहमद खान साहब ने इस स्टूडियो में आगे बढ़ाने दें। नाजीन, शमशाद अहमद खान साहब ये कहते हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ की नीयत बिल्कुल सही है, उनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन ठीक है, लेकिन उनका चैलेंज का तकाजा ये करता है, यानी सेंसिबल इसमें यह होना चाहिए कि भारत के पीछे कशकोल लेके हमें एक डायलॉग के लिए ढूंढने की बजाय इंटरनल मामला को पहले हमें ठीक करने पर जो है हमें उस पर कोशिश करनी चाहिए। इसी को जरा मैं आप इमरान साहब आप समझते हैं, वुड यू एग्री विद शमशाद साहब ऑन दैट इशू? एब्सोल्युटली, मैं बताऊं आपको, इंडिया इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के लिए एक डिस्ट्रैक्शन है, एंड आई टेल यू व्हाई।
बिकॉज नथिंग कुछ भी होने वाला नहीं है इस तरह की मुलाकातों के अंदर. अभी सलमान खुर्शीद साहब जब जाने से पहले आप आई विश की उनकी स्टेटमेंट सुनते इंडियन टेलीविजन के ऊपर, वो कह रहे हैं हम जा तो रहे हैं और वहां पे चूंकि कमरे में होंगे तो मुलाकात तो बाहर सूरत हो ही जाएगी लेकिन इनफॉर्मल सी होगी, देखेंगे हम जा तो SCO के लिए रहे हैं. मनमोहन सिंह साहब अपनी तकरीर में क्या फरमाते हैं कि मामलात जब तक दुरुस्त नहीं होंगे हम भी मिलना तो चाहते हैं, वो भी मिलना चाहते हैं, लेकिन जब तक हालात और आपने उसका इब्तदाई में जिक्र किया कॉन्टेक्स्ट बेहतर नहीं होता, एनवायरमेंट बेहतर नहीं. देखिए इस वक्त जो इंडिया की गवर्नमेंट है, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ये एक रिसीडिंग स्पेस के अंदर है, ये लूज कर रही है. देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को एज प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया है. इलेक्शन के एजेंडे में पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट्स आ गए हैं. आपके इलेक्शन के एजेंडे में मोहब्बत अमन है, मैंने आपसे जो पहले कहा अमन उनके एजेंडे में ही एंटी पाकिस्तान ऑपरेशन होना चाहिए, यहां तक कह रहे हैं उनकी. मैंने आपसे जिक्र किया था कि देखिए हमारी पब्लिक डोमेन में से कश्मीर और इंडिया बाहर जा चुका है, उनके यहां पाकिस्तान दोबारा फिर से एंटर कर गया. Exactly. अच्छा ये फर्क है जो हमें नजर नहीं आ रहा. दूसरा जो भी गवर्नमेंट आएगी इलेक्शंस के बाद, चाहे बीजेपी की होगी या इवन कांग्रेस की आएगी, इतना एरोगेंट इंडिया और एरोगेंट होकर निकलेगा आपके सामने, क्योंकि एक नए मैंडेट के साथ आएगा. उसने समझाया कि 12-13 साल में मैंने लताड़ के रख दिया. यानी अंडर द सर्कमस्टेंसेस आपका आर्गुमेंट ये है कि अगर पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसी तरह से हिंदुस्तान के सामने हाथ जोड़ के कहते रहेंगे कि हमें मिल लें, हमसे डायलॉग कर लें, हमारी बात तो सुन लें, न्यूयॉर्क में मिल लें, दुबई में मिल लें, तो भारत का एटीट्यूड बजाय नरम पड़ने के और सख्त होता चला जाएगा. मतलब यू एग्री विद मी? मेरा अपना ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हम कर रहे हैं. अब सख्त होता जाएगा, सख्त होता जाएगा, और वो सख्त दिखा रहे हैं और कर भी रहे हैं और हमें बदनाम भी किया जाए. डॉक्टर साहब मसूद, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसा फील होता है, यू करेक्ट मी, आप बहुत ट्रेवल भी करते हैं आजकल, बहुत पढ़ते भी हैं आप चीजों को, मुझे ऐसा लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास के ऊपर अमरीका का भी बड़ा दबाव है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी, यूरोपियन यूनियन का भी बड़ा दबाव है, और वो लोग अनथिंकिंगली. This time check is brought to you by Sani ki fi movina amraz niswa ke liye. अब देखिए कि IMF के साथ हमें ये पता चला कि साथ राज साहब ने गालिबन इन राइटिंग ये कंडीशन कही है कि हम MFN बहुत जल्दी जो है भारत को दे देंगे. मियां साहब ने खुद कहा कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो है भारत से खरीदना चाहते हैं. तो हम हर तरफ से इंटरनेशनल एक प्रेशर, यानी भारत एक साइड हमसे हार्डलाइन डील कर रहा है और दूसरी तरफ अमरीका की तरफ से हम पे दबाव डाल रहा है कि भारत के साथ हम नॉर्मलाइज करें. हम नॉर्मलाइज नहीं कर रहे, हालांकि हम नॉर्मलाइज करना नहीं चाहते. आप अमेरिकन दबाव की सूरतहाल देखें कि अमेरिकन का दबाव था या ख्वाहिश थी बशर अल असद के अगेंस्ट जाने की, ठीक है, कुछ नहीं हुआ ना अभी. ये मेरा ख्याल है, आप इसे डिसएग्री, मुझे लगता है जॉन कैरी पहली कैजुअल्टी हो गए इस वॉर की, जो हुई नहीं अभी, ठीक है ना, यानी वो सेक्रेटरी स्टेट पहली कैजुअल्टी हो गई. उसमें तो रशिया ने बड़ा नहीं, 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 मैं आपसे जो बात कहने लगाऊंगा ना, बात यह है सारी कि अमेरिकन खुद एक कंफ्यूजन स्टेट में पूरी, यानी आप देखिए सीरिया वहां तक चले गए जहां तक इराक में भी नहीं गए, एग्जाइल गवर्नमेंट बन गई, अरब लीग की मेंबरशिप मिल गई, उतर गई प्रॉक्सी रेबल्स, ठीक है ना, उनकी अफेयर डिफेक्ट हो गई और बशर से खड़ा हो गया. रशियंस ने कहा कि जी हम अपनों पर हमला तसव्वुर करेंगे. बात यह है कि यहां रीजन में एंड गेम है, पूरा एंड गेम शुरू हो चुका है और इस एंड गेम में आपका मफाद और इंडिया का मफाद टकराता है अफगानिस्तान में. मैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ को कैसे समझ, मैं ये नहीं कहता कि जाके आप घुस के बैठ जाए और वहां पर आप प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट बना दें, इसको ये मैं नहीं कहता, लेकिन एज अ पाकिस्तानी मैं मुझे नहीं पता कि एस्टेब्लिशमेंट क्या सोचती है फॉर ऑफ, एज अ पाकिस्तानी मेरे नजदीक स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये है कि वहां एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट ना हो, ठीक है ना, एक न्यूट्रल गवर्नमेंट हो जो अफगानों के मुंतखब हो लोग. लेकिन चूंकि माजी में हमेशा 47 के बाद से लेकर टिल तालिबान के आने तक वहां एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट्स रही हैं, इसलिए पाकिस्तान ही कहता है कि भाई इस बॉर्डर पे एक न्यूट्रल गवर्नमेंट लाओ, हमारे अंगेज ना लेकर आओ, जैसे उस वक्त आप लेकर आ गए थे सोवियत यूनियन के साथ, और पाकिस्तान इसलिए कूदा था बीच में. अब बात यह है कि अब एंड गेम शुरू है, ठीक है ना, एंड गेम शुरू है. आप सॉफ्ट हो जाए, आप नरम हो जाए, आप जाके जप्पी पा लें, आप सर पे उठा लें. उन्होंने जो करना है, उनकी बिलियंस की इन्वेस्टमेंट्स हैं इस वक्त जो है, वो कहते हैं स्टेक्स बहुत हाई हैं. और ये पहली जो अफगान जंग हुई थी वो सूरत हाल नहीं है कि दुनिया दो ब्लॉक्स में तकसीम है और ये नहीं, हर स्टेट के अलग खेल हैं. इस वक्त सऊदी अरब अलग पेज पे, कतर अलग पेज पे है, टर्की अलग पेज पे है, सीरिया अलग पेज पे है, मुस्लिम कंट्रीज देखे ना, इजिप्ट के अंदर क्या होने वाला है मैं नहीं जानता, जॉर्डन किसी वक्त भी गिरेगा, जॉर्डन खामोश, हमास क्वाइट बैठी है, हमास का खेल करेगी, हर आदमी ईरान बॉटम लाइन क्या हुई आपके आर्गुमेंट. मैं इसी भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान सिर्फ एज अ पाकिस्तान सोचे, अमेरिका का दबाव, अमेरिका का दबाव इररेलेवेंट है. अफगानिस्तान इज अ वेरी स्मॉल पिकिंग इन दिस एंटायर गेम, बहुत छोटा एक फ्रूट है अगर किसी को इसको देख रहा है. अफगानिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं,
पाकिस्तान के साथ एक क्या मतलब क्या हुआ आपके मतलब ये मतलब मेरा कहने का ये है कि अफगानिस्तान के अंदर कोई इतनी बड़ी पाकिस्तान और इंडिया का आपस में कोई कंपेटिटिवनेस उस लेवल की नहीं जाने वाली हालांकि जिसकी जिसकी बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा नहीं उसकी मत देखिए ना एक उसके उसके नतायज क्या मतलब हम ये समझते हैं कि हमारी डिफेंसिव पोजिशन जो है वो वल्नरेबल हो जाती है अगर वहां पर कोई वहां पर कभी भी पाकिस्तान की फेवरेबल गवर्नमेंट कभी भी नहीं आई और इतनी भी मुखालिफ गवर्नमेंट एक सेकंड जो मसला आने वाला है ना मसला जो आएगा वो चाइना विजवी चाइना है कि पाकिस्तान चाइना के साथ अपना नेक्सस अच्छा एक भारत के अंदर एक है ये तोड़ता है तो तोड़ता है पाकिस्तान भारत के अंदर एक बहुत बहुत बड़ी सोच डेवलप हो रही है कि भारत ने शुरू से लेकर आज तक गलती की कि पाकिस्तान के साथ तल्लुकात नहीं रखे इस वजह से चाइना को स्पेस मिल गई है और अब वो कह रहे हैं कि आप इसको चाइना से हटाएं ताकि हमारी स्पेस बने और हम जाके पाकिस्तान के साथ एज ए पाकिस्तान को चाइना की मंडी अमेरिका हिंदुस्तान की मंडी बना दें राइट लेकिन शमशाद साहब हम ये तो हमने खुद डिस्कस कर लिया कि मियां साहब को स्ट्रेटेजिकली क्या करना चाहिए उनको एक स्ट्रेटेजिक पॉज चाहिए उन्हें भारत का ताकुब नहीं करना चाहिए उनके सामने हाथ नहीं जोड़ने चाहिए सुलह के लिए या डायलॉग के लिए अगर भारत पे कंडीशन लगाता है लेकिन सर सवाल यह है कि आप क्या इससे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे कि मियां साहब की हुकूमत के ऊपर अमरीका का भी और यूरोपियन कम्युनिटी का भी आईएमएफ का भी बड़ा दबाव है कि भारत के साथ भारत की टर्म्स एंड कंडीशन पे सुलह की जाए नॉर्मलाइजेशन की जाए भारत की तरफ रजू किया जाए अप्रोच किया जाए क्या कहेंगे आप देखिए दबाव तो हमेशा रहता है हर हुकूमत पर रहता है लेकिन मेरे लिए ये एक बात जो अनबिलीवेबल है वो ये है कि मियां साहब को मैं मुशर्रफ की शक्ल में देख रहा हूं मुशर्रफ की शक्ल में इसका क्या मतलब हुआ मतलब ये कि मुशर्रफ को आदत थी मिन्नत नमाजित करने की याद होगा काठमांडू में मुशर्रफ ने जाकर वाजपेयी के घुटने को हाथ लगाया था ये आज तक किसी दुनिया की तारीख में किसी सरबराह है हुकूमत ने घुटने को तो नहीं हाथ मिलाया था जाके नहीं आपने तस्वीर नहीं देखी बहरहाल अच्छा फिर उसके बाद बदस्तूर उन्होंने एक 6 जनवरी 2004 को एक एफिडेविट लिख कर दिया था वाजपेयी को इस्लामाबाद में जिसकी तहरीक गालबन पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में नहीं हुई थी बल्कि वो मुल्क से बाहर हुई थी कि आइंदा कभी भी पाकिस्तान की सरजमीन से इंडिया के लिए कोई इन्फिल्ट्रेशन या कोई कार्रवाई नहीं होगी उन्होंने इस तरीके से इम्प्लिसिटली ये तस्लीम किया था कि हमेशा पहले जो कुछ भी होता रहा इंडिया में वो पाकिस्तान से होता रहा है ये बात लेकिन लेकिन शमशाद साहब क्या इससे ज्यादा क्या ये जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं मुशर्रफ के दरमियान और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो बड़ा अनफॉर्चुनेट कंपैरिजन है इसकी एक वजह ये भी तो हो सकती है कि मुशर्रफ पर भी बहुत बैन अल-अक़वामी दबाव था अमरीका का दबाव था और मियां साहब पर भी वही दबाव है देखे जब से मैं वही कहने लगा हूं कि मुशर्रफ का तो अंडरस्टैंडेबल था क्योंकि उनको लेजिटिमेसी चाहिए थी अपनी इख्तदार में रहने के लिए वो अमरीका की हर बात हर दबाव तस्लीम कर रहे थे मियां साहब तो मुंतखब एक हुक्मरान है मुंतखब हुक्मरान है और यहां पर लोगों का बहुत बड़ा मैंडेट है मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वो इस तरह बाहर से इन्होंने बिला आखिर मुझे बताइए 98 में न्यूक्लियर टेस्ट के हवाले से क्या बाहर की दुनिया का दबाव उस पर रेजिस्ट नहीं किया था तो ये तो इन्होंने एक अपनी इज्जत उस वक्त बनाई थी और अमेरिका ने इनको रिस्पेक्ट दी थी एहतराम दिया था जब इन्होंने फैसला किया न्यूक्लियर टेस्ट उनके दबाव के बावजूद तो क्लिंटन ने कॉम्प्लीमेंट दिया था इनको कि भाई अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता तो ये मियां साहब को आज भी एहसास होना चाहिए कि जो लीडर अपने मुल्क के कौमी मुफाद में फैसले करते हैं उनकी सारी दुनिया इज्जत करती है जो लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप मियां साहब के ऊपर अंदरूनी मुश्किलात का एक बहुत दबाव है मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से कि ये एन मुमकिन है कि अगर मुशर्रफ के पास एक्सटर्नल दबाव था मियां नवाज शरीफ साहब के पास लेजिटिमेसी है पॉपुलैरिटी है पॉपुलर मैंडेट है लेकिन अंदरूनी हालात का इंसर्जेंसी का और माशी सिचुएशन का और गवर्नेंस का इतना दबाव है कि वो हर किस्म का एक्सटर्नल दबाव भारत की तरफ से कबूल करने को तैयार है आफ्टर द ब्रेक नाज़िम वेलकम बैक वक्फे से पहले शमशाद अहमद खान साहब ने जो मेरे साथ हैं लाहौर से उनका ये कहना था कि उनको एक बड़ी तशवीश इस चीज की होती है कि मियां नवाज शरीफ साहब उसी तरह से कॉम्प्रोमाइजेस करते नजर आते हैं
या दबाव में नजर आते हैं जैसे कि मुशर्रफ नजर आते थे। और मेरा काउंटर आर्गुमेंट यह है जहां से हम डिस्कशन का आगाज करना चाहते हैं कि अगर मुशर्रफ के ऊपर महज अमरीका का दबाव था, 9/11 के बाद के हालात का दबाव था, तो मियां नवाज शरीफ साहब के पास भी इकोनॉमिक प्रेशर है, इकोनॉमिक फेलियर है, मिस गवर्नेंस है, बलूचिस्तान की सूरत हाल है, कराची की सूरत हाल है, फाटा की सूरत हाल है, एनर्जी और ट्रेड और ये तमाम चीजों के मसायल है जिसकी वजह से मियां साहब जो है बहुत अंडर प्रेशर महसूस करते हैं। जी जनाब डॉक्टर साहब, मैं एक ऐसी बात करने लगा हूं जो कि शायद अभी तक नहीं हुई और शायद थोड़ा सा वो हो चैलेंजिंग हो फरार। देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये फैसला भारत के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करने का एक रैशनल फैसला नहीं है। रैशनल फैसला नहीं है, ये इमोटिव फैसला है। मैं मुत्तफिक हूं, इमोटिव फैसला है। और ऐसा क्यों कहते हैं मुशर्रफ क्या आपका मुशर्रफ आप तो खुद चाहते हैं कि भारत मुशर्रफ का भी इमोटिव फैसला था। नहीं, मुशर्रफ का तो अंडर प्रेशर था। नहीं नहीं, देखिए ना, अब हम मतलब अंडर प्रेशर भी था लेकिन इमोटिव भी था। मैं सब कुछ कर चुका लेकिन दिल्ली वाली जो हवेली है वहां के जाना मेरे लिए जरूरी है क्योंकि एक ताल्लुक है। अच्छा, दूसरा इसलिए मैं और नवासी मैं नहीं समझा कि मुशर्रफ का कैसे इमोशनल फैसला था। अगर भारत मोबिलाइजेशन कर दे और अमेरिका और बर्तानिया और यूरोपियन यूनियन उस पर दबाव दे, मैं एक और बात करने लगा हूं। भारत की बात, अब मैं एक और बात करने लगा हूं। नहीं, पहले गए थे 2000 में। देखिए शमशाद साहब, हम कुछ ऐसे ट्रैक टूज का हिस्सा हैं जहां पर हम इंडिया के साथ ट्रैक टू के ऊपर काफी जरा मिलके काम करते हैं जी। मेरा अपना नजरिया ये होता है कि 65 साल से, एक मैंने अजराहे मजाक एक चीज लिखा कि 65 साल से ज्यादा उम्र के किसी आदमी को ऐसी ट्रैक टू के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ताल्लुक है जो कि पुराना है, जो जन्म के साथ का है और वो रिफ्लेक्ट नहीं करता जो कि आजकल के हालात है। अच्छा, रियलिटी से आपका मतलब है कि ये लोग दे लूज कॉन्टेक्ट ग्राउंड रियलिटी। सो इमोटिव, इमोटिव रादर देन रैशनल, नंबर एक। नंबर दो, अमेरिका आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। अमेरिका तो अपने ऊपर दबाव नहीं डाल सका, इन्होंने अमेरिका दबाव नहीं डाला। मेरी बात सुन लेना, अभी देखिए सीरिया का क्या कर रहा है। मेरी बात नहीं, दबाव से क्या मतलब, बीच में अटक गए ना कांग्रेस, दबाव से क्या अटक गई, दबाव से क्या मतलब, दबाव से मुराद है कि वो गंत नहीं लेके बैठा। देखिए ना, यही सजेस्ट करें कि सबसे अभी IMF को, अभी आपका डॉलर 106 पे चला गया, अभी IMF ने आपको पैसे भी दिए, डॉलर 103 पे। वो आपकी अपनी फेलियर है गवर्नेंस के लिए। मैं वही चीज पे, उसको फ्रेम पता है वो कैसे करते हैं अमरीका वाले। वो कहते हैं कि जितना आप भारत के साथ लड़ाई के माहौल में रहेंगे उतनी आपकी रिसोर्स जो हम देते हैं IMF वाले या कोई भी देता है वो सबकी सब लड़े की तरफ चली जाती है। एक तो इसको खत्म कीजिए, दूसरा ये कि उससे चाइना न्यूट्रलाइज होता है, तीसरा ये कि फौज अपनी जगह पे वापस जाती है, और चौथा ये कि जो आपके इस किस्म के पुराने मामला जो इंडिया के साथ उलझे हुए हैं वो सब पाकिस्तान गिवन करने के पोजिशन में आ जाएगा कि ठीक है जी, हम मानते हैं LOC जैसी है, इसको बॉर्डर मान लो, इस मर्जे को ये खत्म कर दो, ना कश्मीर रहेगा, ना सियाचिन रहेगा, ना सरकरीक रहेगा। यानी आप एक किस्म के एक्सेप्ट, बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट कर लेंगे करंट स्टेटस ऑफ इंडिया एंड करंट स्टेटस ऑफ पाकिस्तान। दुनिया ये समझती है कि अगर ये सब कुछ करेंगे आप तो पाकिस्तान, दुनिया गलत समझती है पाकिस्तान इंडिया के मामला, दुनिया गलत समझती है। नहीं पता पाकिस्तान की आवाम क्या समझती है, मुझे नहीं पता की है ना। मैं सिर्फ एक आपको डॉक्टर साहब एक बिल्कुल डिफरेंट बात करने लगा हूं इससे जनाब। ये जो तारीख है ना और जोग्राफिया, ये बड़ा जो साउथ ब्लॉक है ना, यानी मुंबई में जाएंगे तो सोच अलग है, लेकिन जो साउथ ब्लॉक है ना दिल्ली का फॉरन ऑफिस, उनके जहन में ये बात है कि वहां पर जब भी अटैक हुआ है वेस्ट से हुआ है, चाहे वो आर्यंस हो, चाहे वो गजनवी हो, एलेक्जेंडर हो, जब इधर से घोड़े दौड़ते करते घोड़े आए और सीधा दिल्ली पे, और ये जहां से गुजरते थे वहां से मार्शल रेस बनती थी, यहां से गुजरते थे ना पूरे रीजन से और दिल्ली कॉन्कर होता था। सॉरी मतलब मार्शल रेस लेकिन वैलिड नहीं है। नहीं नहीं सुनिए ना, वहां से देखिए ना, मंगोल जो थे, मंगोल कभी इंडिया में तो नहीं कूदे ना, मंगोल में इराक पे गए। आप देखिए ना, यहां से इस तरफ से पहाड़ है ना, हिमालिया जो है वो एक बाउंड्री बना हुआ है। ब्रिटिश कॉलोनियस नीचे से आए थे, वो साउथ से आए, जो ब्रिटिश कॉलोनाइजर है वो तो जिसने पंजाब फतह किया, इसीलिए साउथ नॉर्थ से बहुत 100 साल आगे है हर चीज के अंदर, सोच के अंदर, फिक्र के अंदर। प्रॉपर हमला, प्रॉपर तालीम के अंदर जब घोड़े आए या हाथी आए या हमले आए तब लेकिन डॉक्टर साहब उनके जहन में वेस्ट नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब हमारा जो चैलेंज है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत जिस क्रक्स में है, जिस जगह फंसे हुए हैं, उस जगह का सोल्यूशन क्या है। उनके ऊपर दबाव है कि अंदर का मामला करें, अंदर का मामला, अंदर का मामला। देखिए जो चीजें भूल जाए, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया कहते हैं भारत से डिस्ट्रैक्शन चाहिए, कूल रहे भारत के साथ, कूल रहे और अमेरिका के दबाव को कबूल अपना। बात सर ये है कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो भी पावर में
आता है, चाहे वो डिक्टेटर्स हों, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट्स हों, वो कोई ना कोई एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ, अरब मुल्कों के साथ, बाहर की दुनिया के साथ कोई अपने आप की अपनी बिड करके आता है, यानी कि ये जी मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। हकीकतन कोई डिलीवर कर सकता है या नहीं कर सकता? मुशर्रफ सुने, मुशर्रफ साहब ने भी कितने साल ट्रैक टू चलाई खुर्शीद कसूरी साहब के साथ, तारे लग गई, सब कुछ हो गया, कश्मीर कर दिया 460 किलोमीटर पे, लेकिन फायदा क्या हुआ उसका, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला? एलओसी फिर हो रही है, एलओसी फिर गए, वही एलओसी जो मैं कह रहा हूं अनफिनिश। ये अनफिनिश मामला खत्म नहीं होते ना, लेकिन फर्स्ट वॉर में क्या हुआ? खत्म हो गई थी, जंग खत्म हो गई, फर्स्ट वॉर नहीं खत्म हुई, खिलाफत खत्म हो, अनफिनिश बिजनेस हुआ। आप क्या एडवाइस करेंगे मियां साहब? एडवाइस क्या करेंगे? अनफिनिश बिजनेस। देखिए, सेकंड वॉर खत्म हो गई, नहीं खत्म हुई, कोरियन वॉर हुई, ये कोल्ड वॉर खत्म हुई, दुनिया ने तालियां बजा दी, नहीं खत्म हुई, मुजाहिदीन रह गए अपनी जगह। अनफिनिश्ड बिजनेसेस हैं ये, इसमें कश्मीर सबसे ऊपर है, इसमें ये लॉन्गेस्ट कॉन्फ्लिक्ट जब तक आप, लेकिन शमशाद साहब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। शमशाद साहब ने, शमशाद साहब ने और शहजाद साहब ने, शहजाद चौधरी साहब ने, उन्होंने बड़ी क्लियर स्टैंड ली है कि मियां साहब को चाहिए कि भारत का ताकुब ना करें, अच्छे जज्बात रखें, अच्छे अच्छी अप्रोच रखें, पॉलिसी अप्रोच रखें, ताल्लुकात बेहतर करना चाहें, लेकिन बैग ना करें भारत को अंदर। कुछ नहीं कर सकते, फैसला हालात करेंगे, वक्त करेगा फैसला। देखिए वक्त और हालात, शहजाद मजबूर कभी भी मानेंगे। देखिए शहजाद चौधरी साहब और शमशाद अहमद खान ये कहते हैं कि मियां साहब का इंपेरेटिव ये है कि इंटरनल जो मामला हैं एनर्जी के, इकोनॉमी के, गवर्नेंस के, कराची के, उन पे फोकस करें और भारत पे डिस्प्रोपोर्शनेट फोकस ना करें। सबका हम भी यही चाहते हैं कि अंदर फोकस करें। मसला यह है कि एक आदमी जब भी मार रहा है, दूसरा कह रहा है सोचेंगे जब भी मार, भाई आप पैरों में। आई थिंक डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ये डायनामिक्स जो है ना इवेंट्स की और डायनामिक्स ऑफ द रीजनल डायनामिक्स, ये खुद डिटरमिन करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान कहां जाके बैठ जाते हैं। exactly. इनका ख्याल ये है। अच्छा, अब जो कौमें होती हैं उनको ये फैसला करना होता है कि क्या हम अपने आप को उन इवेंट्स के धारे पे डाल दें, या जो कुछ हमने प्रिंसिपल्स को पकड़ कर रखा हुआ है उनको पकड़ कर रखें। अच्छा, उन प्रिंसिपल्स को पकड़ने के लिए आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, अब जब भी आप इंगेज करेंगे इंडिया के साथ, तो आप हमेशा एक कमजोर लेवल से, बहुत कमजोर लेवल से इंगेज करेंगे, इसलिए आपको गिव इन करना पड़ेगा अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर, असूलों के ऊपर। भारत भी इसी ताक में है कि जो करवाना है इनसे भी करवा लो, ये सब कुछ देने के लिए तैयार होंगे। तो अगर ये नवाज शरीफ साहब ये नहीं समझ रहे या समझ नहीं पा रहे, तो कम से कम इस बहस के बाद समझ जाए। शमशाद साहब, अगर ईस्टर्न बॉर्डर हॉट हो गया तो पाकिस्तान को वेस्टर्न बॉर्डर से फोर्स हटानी पड़ेगी जरूर। अगर वेस्टर्न बॉर्डर से फोर्स हटाई पाकिस्तान ने, तबाही नुकसान होगा, तबाही मचेगी नेटो के एग्जिट की, अमेरिकन से पाकिस्तान के अंदर तबाही यहां पर मचेगी, यहां पर। और आपका नेटो देखे ना, अमेरिकन को, दुनिया को भी समझना चाहिए कि ये जो छेड़खानी हो रही है, मियां साहब को भी समझ लेकिन मियां साहब को मैं ये नहीं कहूंगा कि मियां साहब कोई यानी वो जानबूझ के, उनको जल्द रियलाइजेशन हो जाएगी ग्राउंड की कि इस तरह हो नहीं सकता। हम सोचेंगे या बात, मैंने मुनव्वर हसन साहब से डॉक्टर साहब पूछा चंद रोज पहले, मैंने कहा जी वो काजी हुसैन अहमद साहब जब पूरा एहतजाज शुरू कर दिया था उन्होंने, तो जब वाजपेयी साहब बस लेकर आए थे, तो अब क्या पॉलिसी होगी आपकी? मुनव्वर हसन कहते हैं कि मियां साहब ने जहां खत्म किया था वहां से शुरू करेंगे, तो हम वही से शुरू करेंगे ना, खत्म किया वहीं से शुरू करेंगे। शमशाद साहब, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, मेरे पास 2.5 मिनट है और मेरा सवाल आपसे ये है कि आप समझते हैं कि मियां साहब को सबर करना चाहिए, उन्हें पहले अंदरूनी मामलात को ठीक करना चाहिए, एनर्जी की सिचुएशन को, कराची की सूरत हाल को, बलोचिस्तान की सूरत हाल को, फाटा की सूरत हाल को, जो इंटरनल इक्विलिब्रियम को अगर वो ठीक करें तो भारत से बेहतर नेगोशिएटेड डील कर सकेंगे, जल्दबाजी में भारत का हाथ भारा रहेगा? इज दिस व्हाट योर कंक्लूजन इज? दो बातें डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है जिस किस्म के रवाबत, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए खान साहब, जिस किस्म के रवाबत की हम तवक्को कर रहे हैं, या बिश्केक में मसलन सरताज अजीज साहब की मुलाकात सलमान खुर्शीद से, या न्यूयॉर्क में प्राइम मिनिस्टरों की मुलाकात होगी, इनसे कोई तवक्को न की जाए, क्योंकि मुझे पता है इनकी असलियत क्या होती है। जो जनरल असेंबली की साइडलाइंस पर या और आलमी मीटिंग्स के साइडलाइंस पर मीटिंगें होती हैं, उनको हम बायलैट कहते हैं। मैंने बीसियों, अगर 100 नहीं तो कम से कम 20 अटेंड की हैं, वो क्यूबिकल्स में मुलाकातें होती हैं, वहां अलैक ब्लैक और कटसीज के अलावा और कोई बात डिस्कस करने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये समझना कि न्यूयॉर्क में मीटिंग हो गई, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात में एक टर्निंग प्वाइंट आ जाएगा, ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो बात शहजाद ने की, हमने गुज़श्ता 7-8 सालों में ट्रैक टू पर इंडिया में, इंडिया की तरफ से जो हमारे काउंटर्स होते हैं, चाहे वो डिप्लोमेट्स हों या फौजी लोग हों, रिटायर्ड फौजी, तो इतनी एरोगेंस हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी जितनी। अच्छा, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अंदर से इतना खोखला हो गया है गुज़श्ता 12-13 सालों में, टूट फूट गया है,
कि इंडिया को शय हो गई है कि अब इस मुल्क को इतना मारा जाए कि इसको उठने का मौका ना दिया जाए। तो ये उस वक्त रविश भारत की ये है, और अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये ना समझ सके तो फिर ये मुल्क की बदकिस्मती होगी, क्योंकि इंडिया वाकई हमें इतना मारेगा कि उठने की मोहलत भी नहीं मिलेगी आपको। बस ये बात। शमशाद साहब बहुत शुक्रिया हमें लाहौर से इस डिस्कशन में ज्वाइन करने का। पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, कॉम्पोजिट डायलॉग उन्हीं के जमाने में जब वो सेक्रेटरी खारजा थे उस वक्त उसका आगाज हुआ। बहुत शुक्रिया, मैं उनका बहुत ममनून हूं कि उन्होंने लाहौर से ज्वाइन किया। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया जनाब एयर मार्शल शहजाद चौधरी साहब ने, मुझे ज्वाइन किया डॉक्टर शाहिद मसूद ने। आपने हमारी डिस्कशन देखी नाजीन, और हम कम अज कम एक इतफाक से ये चीज कह सकते हैं, हमें एहसास है तमाम पार्टिसिपेंट्स को, मुझे हमें एहसास है इस चीज का कि वजीर आजम नवाज शरीफ सच्चे दिल से भारत के साथ बेहतर ताल्लुक करना चाहते हैं, वो इसमें डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, वो समझते हैं गलतियां भी हुई हैं माजी में, उन पे बैन अकवामी दबाव भी है, अंदरूनी हालात भी उनके सख्त हैं, गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, कराची की सूरत हाल है, बलोचिस्तान की सूरत हाल है, फाटा की फ्रंटियर की सूरत हाल है, अफगानिस्तान से विड्रॉल है, और एक्सटर्नल प्रेशर है अमरीका की हुकूमत का, यूरोपियन यूनियन का, बरतानिया का, IMF का, हर तरह का दबाव है कि भारत के साथ आप एक प्रोसेस में चले, जिसका भारत फायदा ये उठाता है कि वो दुनिया को यह बताता है कि नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को पाकिस्तान ने रोक रखा है। हकीकत यह है कि भारत को फायदा मिलता है जब यह प्रोसेस आगे एडवांस नहीं करता, इसलिए उस रास्ते में तरह तरह की रुकावटें डालते हैं। इस नतीजे से, इस डिस्कशन से हमें यह पता चलता है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब गिरते पड़ते भीख मांगते, पाकिस्तान की हुकूमत जो है हिंदुस्तान के साथ एक मुलाकात करना चाहेगी, मीटिंग्स करना चाहेगी, तो इंडिया स्ट्रेटेजिकली इसका फायदा उठाएगा। चुनाचे मियां साहब की हुकूमत को बैन अलाकवामी दबाव को रेजिस्ट करना चाहिए, अप्रोच रखनी चाहिए, लेकिन भारत की बहुत ज्यादा उसकी तगड़ो नहीं करनी चाहिए इस चीज के लिए, इसका पाकिस्तान को, मियां साहब की हुकूमत को नुकसान पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया।